आजकल जब भी अच्छी टाइलिंग की बात आती है तो लगभग सभी एक्सपर्ट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स भी और टाइल मैन्युफैक्चरर्स टाइल एडहेसिव यूज करके टाइलिंग करने की बात करते हैं। मैंने टाइल एडहेसिव्स के ऊपर 2 पॉडकास्ट किए हैं ओटीएफ में और काफी डिटेल्स में जानकारी दी, उनके एडवांटेजेस के बारे में बात की। सेकेंड पॉडकास्ट में मैंने टाइल एडहेसिव का क्लासिफिकेशन भी बताया था और आप किस तरह के टाइल एडहेसिव से क्या क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये भी बताया था। लेकिन बहुत सारे लोगों के कुछ बेसिक सवाल हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है और लॉजिकल है, और इन सवालों के जवाब जब आप इंटरनेट में जाते हैं तो टेक्निकली सही और सेटिस्फैक्टरी जवाब अक्सर नहीं मिलते हैं। पहला सवाल है, क्या वाकई में सीमेंट से टाइल नहीं लगाना चाहिए? जब टाइल एडहेसिव मार्केट में नहीं थे या इतने पॉपुलर नहीं थे तो सीमेंट से ही टाइल लगाते थे, तो अब ऐसा क्या हो गया? दूसरा बेसिक सवाल है, क्या सिर्फ वॉल में टाइल लगाने के लिए ही टाइल एडहेसिव यूज करना चाहिए या फ्लोर के लिए भी टाइल एडहेसिव जरूरी है? तीसरा सवाल है, सीमेंट मोर्टार में ऐसी कौन सी कमी है जो टाइल एडहेसिव ने पूरी कर दी? और चौथा सवाल है, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं सीमेंट से टाइल लगाने में और क्यों, उनका टेक्निकल रीजन क्या है? तो इनमें से कोई सवाल या सारे सवाल अगर आपके मन में हैं और आप टेक्निकली करेक्ट आंसर सिंपल भाषा में चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहें और इस पॉडकास्ट को ध्यान से सुने। नमस्ते एंड वेलकम टू ऑन द फ्लोर, मैं हूं दिनेश व्यास। आज का ये पॉडकास्ट टाइलिंग के बारे में है, खासकर टाइल एडहेसिव और सीमेंट मोर्टार के बारे में। सीमेंट वर्सेस टाइल एडहेसिव्स। एक्सीलेंट क्वालिटी के टाइल्स लेने के बावजूद भी कई बार टाइलिंग के रिजल्ट्स बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होते हैं। हम कह सकते हैं कि टाइलिंग फेल हो गई। कई बार टाइल लगाने के कुछ ही दिनों के बाद कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स आने लगती है और कई बार थोड़े टाइम के बाद। मैं आपको ऐसी 5 बड़ी और कॉमन प्रॉब्लम्स बताऊंगा, हो सकता है इनमें से कुछ या सभी आपने देखी भी हों। पहली है, टाइल अपनी सरफेस से डिटैच हो गई, वॉल से या फ्लोर से अलग हो गई, उखड़ गई। दूसरी है, टाइल में क्रैक्स डेवलप हो गए या टाइल टूट गई, ब्रोकन टाइल। तीसरी है, टाइल की टेंटिंग, यानी कि कई बार आपने ऐसा देखा होगा ये टाइल लगे हैं फ्लोर पे और वो ऐसे हो गए। चौथी एक बड़ी और कॉमन समस्या है, टाइल की लिपिंग यानी कि लेवल पे नहीं है। और पांचवी एक बड़ी और कॉमन समस्या है, हॉलो साउंड फ्रॉम द टाइल। अगर आप अपने घर में लार्ज साइज टाइल यानी कि 2 फीट बाई 2 फीट से बड़े टाइल जो विट्रीफाइड हैं लगवा रहे हैं और सही टाइल एडहेसिव की जगह जो कन्वेंशनल ओल्ड तरीका था सीमेंट मोर्टार यूज करने का, वो अगर आप कर रहे हैं तो आपको भी इन 5 प्रॉब्लम्स में से 1, 2 या सारी की सारी अभी या आगे चलकर फेस करना पड़ सकती है। सवाल है कि ऐसा होता क्यों है? जिस सीमेंट से हम इतने मजबूत कंस्ट्रक्शन करते हैं, प्लास्टर करते हैं, कॉन्क्रीटिंग होती है, लेकिन जब टाइल्स की बात आती है तो यही सीमेंट फेल होकर हमको ये 5 बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों दे रहा है? सीमेंट से टाइल लगाने में जो इश्यूज आ रहे हैं उसके 5 मेन कारण हैं। सबसे पहला है कि सीमेंट टाइल के साथ मजबूत बॉन्ड नहीं बना पाता, और विट्रीफाइड टाइल्स के साथ तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। आप पूछेंगे क्यों, सुनिए। डू यू नो सीमेंट काम कैसे करता है, बॉन्ड या पकड़ कैसे बनाता है? आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा हाइड्रेशन से। सीमेंट में कई केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, मजबूती और बॉन्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल है कैल्शियम सिलिकेट। जब कैल्शियम सिलिकेट वाटर से रिएक्ट करते हैं तो बनता है कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट यानी कि CSH। हाइड्रेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। ये कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट एक जेल के जैसा सब्सटेंस है जो सीमेंट पार्टिकल्स के बीच में गैप्स को भर देता है। इससे हाइड्रेशन की प्रोसेस और ज्यादा तेज होती है और ज्यादा CSH बनता है। हाइड्रेशन अभी कंटिन्यूड है। ये जो CSH जेल है इसमें नीडल्स टाइप के छोटे छोटे क्रिस्टल्स डेवलप होने लगते हैं और वो और बाकी के जो पार्टिकल्स हैं उसके साथ इंटरलॉकिंग करने लगते हैं, आपस में भी और आसपास के जो पार्टिकल्स हैं, सैंड के पार्टिकल्स हैं। अब नीचे मान लीजिए सबस्ट्रेट पे हमने ये सीमेंट मोर्टार लगाया, ऊपर है टाइल, तो टाइल के बॉटम में जो इररेगुलर सरफेस है और टाइल में जो माइक्रोपोर्स हैं उनके अंदर भी ये सीमेंट जाता है, वहां पर भी ये CHS बनेगा और इसकी जेल बनेगी और फिर धीरे से इसमें जो क्रिस्टल डेवलप होंगे वो बड़े होंगे, आपस में इंटरलॉक करेंगे, इस तरह से ये मैकेनिकली बॉन्ड कर देगा पूरे मटेरियल को। टाइल के साथ सीमेंट मोर्टार के बॉन्ड की स्ट्रेंथ इसी मैकेनिकल बॉन्ड पर डिपेंड करती है। विट्रीफाइड टाइल है मतलब 0 पोरोसिटी, ऑलमोस्ट लेस देन 0.5% पोरोसिटी, तो माइक्रो पोरोसिटी कुछ है नहीं टाइल के नीचे, तो ये सीमेंट उसके अंदर जा नहीं सकता, उसके अंदर जाएगा नहीं, और जो CHS बनना था
जो जेल को एंटर करके फिर धीरे से क्रिस्टल बनने थे, जो मैकेनिकल बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं, वो होगा नहीं। जब ये होगा नहीं तो आप ही बताएं कि बॉन्ड कैसे बनेगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी कैसे। अगर टाइल की बॉडी में पोरोसिटी होती तो फिर बॉन्ड होने की संभावना थी। अब हम बात करते हैं सीमेंट की दूसरी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक की जिसके कारण प्रॉब्लम खड़ी होती है। देखिए, सीमेंट मॉर्टर में क्या होता है, सीमेंट वाटर एंड सैंड। सीमेंट की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो श्रिंक होता है, सीमेंट मॉर्टर श्रिंक होता है। श्रिंक करेगा तो क्या होगा, आप सोचिए, टाइल के नीचे जो लगा हुआ है मसाला और सीमेंट, वो नीचे बैठ जाएगा। श्रिंकेज के कारण जो सीमेंट है, सीमेंट मॉर्टर है, वो क्रैक हो जाता है, उसका नेचर है वो। अब जब सीमेंट श्रिंक होगा, टाइल के मॉर्टर में जो एक्सेस वाटर था वो सूखेगा, वो जाएगा जहाँ से भी उसको जगह मिलेगी, तो उसका वॉल्यूम कम होगा, वो धंसेगा, तो क्या होगा, आप खुद ही सोचिए, टाइल ऊपर नीचे हो जाएगा। सीमेंट मॉर्टर की दूसरी खासियत होती है कि ये बहुत कड़क होता है, और हमारा टाइल भी आपको पता है बहुत कड़क होता है, एकदम रिजिड होता है, ब्रिटल सब्सटेंस होता है। तो मान लीजिए ये मॉर्टर है, एकदम रिजिड हो गया है, ये टाइल उसके ऊपर लगा हुआ है, चिपका हुआ है, ये अपने आप में एक ब्रिटल सब्सटेंस है, ठीक है, तो ना ये झुकेगा ना वो झुकेगा, और मूवमेंट हुआ या थर्मल एक्सपेंशन हुआ तो क्या होगा, मॉर्टर और टाइल के बीच का या तो ज्वाइंट हट जाएगा, बॉन्ड हट जाएगा जो भी थोड़ा बहुत है, तो एक तो वैसे ही कमजोर बॉन्ड था और दूसरा इस मूवमेंट के कारण वो भी टूट जाएगा। अब चौथी बात करते हैं, तो देखिए, जो सीमेंट मॉर्टर टाइल के लिए बना रहे हैं हम, वो साइट पे बन रहा है, मेसन बना रहा है, सैंड अलग से आ रहा है, कोई भी सोर्स हो सकता है उसका, कैसे भी हो सकती है, पानी अपने अंदाज से डाल रहे हैं, यानी कि सारे जो ये जो फैक्टर्स हैं ये कोई फिक्स नहीं है, तो हर बार हमको अलग क्वालिटी मिलेगी, क्वालिटी में कोई कंसिस्टेंसी नहीं होगी। ये चार मेन कारण है सीमेंट मॉर्टर के फेल होने में। तो अब बात आ जाती है कि टाइल एडहेसिव में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं। मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले और सबसे ज्यादा पॉपुलर टाइल एडहेसिव्स हैं वो है सीमेंटिशियस टाइल एडहेसिव। उसमें होता है सीमेंट, सैंड एडिटिव्स जिसमें खासकर होता है पॉलीमर, और वाटर रिटेंशन कंपाउंड। तो टाइल एडहेसिव कैसे काम करता है, मतलब लेट्स कंपेयर सीमेंट वर्सेस टाइल एडहेसिव। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये कंपेरिजन, लेकिन उसके पहले एक रिक्वेस्ट है, ऑन द फ्लोर चैनल को ग्रो होने के लिए आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इन पॉडकास्ट को शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको इस इन्फॉर्मेशन से फायदा हो सकता है। थैंक यू। तो सीमेंट वर्सेस टाइल एडहेसिव में सबसे पहले बॉन्ड की स्ट्रेंथ। सीमेंट मैकेनिकल बॉन्ड से मजबूती देता है, वहीं टाइल एडहेसिव में होते हैं पॉलीमर्स, ये टाइल के साथ केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं जो बहुत मजबूत होता है, यानी सीमेंट से जो हुआ वो हुआ, मेन स्ट्रेंथ इसमें दूसरे कंपाउंड के कारण आती है, यानी कि पॉलीमर के कारण। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिजिडिटी वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी। टाइल एडहेसिव में जो एडिटिव्स होते हैं वो सेट होने के बाद भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखते हैं, यानी अगर स्ट्रक्चरल मूवमेंट के कारण या थर्मल एक्सपेंशन के कारण जो थोड़ा मूवमेंट भी होगा तो उसको एडजस्ट कर लेंगे। सीमेंट की जगह अगर आपने एक अच्छा टाइल एडहेसिव यूज किया है तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरा पॉइंट है क्वालिटी का। हमने बात की थी सीमेंट मॉर्टर हर साइट में हर बार हर मेसन के हिसाब से उसकी क्वालिटी चेंज हो सकती है, वहीं टाइल एडहेसिव प्रीमिक्स्ड आ रहा है, आपको सिर्फ पानी डालना है उसमें। चौथा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाटर रिटेंशन का। टाइल एडहेसिव में एक इंपॉर्टेंट कंटेंट होती है वाटर रिटेंशन के लिए। ये जो वाटर रिटेंशन कंपाउंड है ये क्या करता है, ये पानी को अपने अंदर सोख लेता है, रिटेन कर लेता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे क्यूरिंग में जरूरत पड़ती है पानी की, ये रिलीज करता है। सीमेंट मॉर्टर से अगर हम टाइल लगाते हैं तो हम क्यूरिंग तो कर नहीं सकते क्योंकि उसके ऊपर टाइल आ गया। सीमेंटिशियस टाइल एडहेसिव में जो सीमेंट है उसको क्योर होने के लिए जितना पानी चाहिए बिल्कुल उतना ही ये रिलीज कर देता है। चौथा एक बड़ा कंपेरिजन का पॉइंट है सीमेंट वर्सेस टाइल एडहेसिव में वर्केबिलिटी का। टाइल एडहेसिव की जो वर्केबिलिटी है, आपने वो पेस्ट देखा होगा कितना स्मूथ, बेहतर कंसिस्टेंसी का एक प्रोडक्ट बन जाता है, पेस्ट बन जाता है जिसको फैलाना बहुत आसान है। सीमेंट मॉर्टर की वर्केबिलिटी अपने आप में एक इश्यू है, आसानी से फैलता भी नहीं है, टाइल चिपकता भी नहीं है, तो कई मेसन फिर सीमेंट का पेस्ट लगाने लगते हैं। पेस्ट भले ही लगा लो उससे सीमेंट का स्वभाव नहीं चेंज हो रहा, सीमेंट का बॉन्ड विट्रीफाइड टाइल के साथ जो भी बनना है वो मैकेनिकल बॉन्ड ही बनना है और उसमें पोरोसिटी नहीं है, आप कितना भी पेस्ट लगा लीजिए वो चिपकने वाला नहीं है। अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स देता हूँ, जैसे आप टाइल सोच समझ के लेते हैं, टाइल एडहेसिव आंख बंद करके ना लें,
टाइल का केमिकल कह देने से काम नहीं चलेगा। टाइल एडहेसिव के बारे में जो मेरा पिछला पॉडकास्ट था, टाइप्स ऑफ टाइल एडहेसिव्स क्लासिफिकेशन, आप वो देख लें और उसके हिसाब से आप सही टाइल एडहेसिव चूज करें। रिसेंटली मैंने कुछ एपिसोड क्वेश्चन एंड आंसर वाले भी किए हैं, आगे भी करूंगा। तो अगर आपका कोई सवाल मेरे पॉडकास्ट से रिलेटेड है तो आप कमेंट्स में या ईमेल में मुझे भेज दें और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले एपिसोड्स में या Q&A एपिसोड्स में मैं उनको एड्रेस कर दूं। OTF में मेरा ये प्रयास अगर आपको ठीक लगता है तो मुझे सपोर्ट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब।